हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जिक्की। ये तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है जो हम करौंदे से बनाने वाले हैं। ये करौंदे हैं, इजी तरीके से घर पर बनाएंगे। करौंदों से पान में डालते हैं, केक में भी यूज करते हैं, मीठे पान में खाते हैं, जर्दे में खाते हैं, मुरब्बे के हिसाब से इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। कैसे हमें बनाना है, तरीके से हम इन्हें बनाए, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या हमें चाहिए। यहाँ पे हमने आधा केजी के करौंदे लिए हैं। करौंदों को हमने पानी में डिप कर दिया था, अच्छे से धो लिया था इन्हें। फिर उसके बाद हम इन्हें चूने के पानी में इन्हें ओवरनाइट 2 दिन तक इन्हें भिगा दिया था। कांटे वाले चम्मच से इसे छेद छेद कर दिया था। ये करौंदे इस कलर के थे, ग्रीन कलर के थे, ये हल्के से येलो हो गए, आप इसे देख सकते हैं। इनका रेड कलर भी निकल गया है, इसमें हल्के से स्पॉट है। ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बर्तन में। अब हम करेंगे बॉयल। सारे करौंदों को हमने छेद कर लिया था, स्पॉट आपको दिख रहे होंगे। और ज्यादा हमें बॉयल नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। पानी हम छान लेते हैं। पैन में हम पानी ले लिए हैं, इतना हम पानी लिए हैं, ये चाशनी बनाएंगे। इससे पूरे करौंदे जो है इसमें डीप हो जाना चाहिए। पानी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे कलर, रेड कलर की डालेंगे शक्कर। इसमें चाशनी बनाएंगे, शक्कर हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालना, भाव के अकॉर्डिंग है पूरी ऐड कर देंगे। शक्कर की क्वांटिटी इसलिए हमने ज़्यादा डाली है, करौंदे बहुत ही खट्टे होते हैं और हम चाशनी बना रहे हैं। इसकी चाशनी हमको ज़्यादा मीठी चाहिए, जितनी ही मीठी चाशनी होगी उतनी ही जल्दी इनका खट्टापन दूर होगा। यहाँ पे चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, काफ़ी टाइम से ये पक रही है, गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें सारे करौंदे को ऐड कर देंगे। इसमें अब हम डालेंगे एसेंस। एसेंस आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का, एप्पल फ्लेवर का डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लगता है जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप उसे डाल सकते हैं। केक वाला फ्लेवर डाल रहे हैं, इसको हम ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 बूंद। बस हो गया, करौंदे ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम चाशनी में 5 से 10 मिनट इसे हमने बॉयल कर लिया था, इसे ठंडा करके इसको हमने स्टोर किया था 4 दिन तक। इसे फ्रीज में हमने रखा था, इसे कलर नहीं जल्दी आता है इसीलिए हमने कई दिन तक इन्हें स्टोर करके रखा था। अब इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये करौंदे। करौंदे से टूटी फूटी आप घर में इजिली बना सकते हैं। इनके अब बीजे हम निकाल देंगे, बीज से इसे कट लगा के इसके चाशनी से हम इसे अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसे सर्व कर दिया है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी। नहीं, आप घर पे इजी बना सकते हैं, रेडीमेड से लेने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइम सीजन भी है करौंदे का। और फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये करौंदे की टूटी फूटी आपको कैसी लगी, ये टिप्स आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्द कुछ नई रेसिपी, कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ। तब के लिए बाय।